अरे संदीप बैंक में आई थी। हाँ हो आई थी बैंक में। संदीप आका मेरे दुरा बेटा आया चाल की कह गई भी हो बुड्ढा। अरे इसकी तो सुननी है पड़ेगी। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से अपने खतरी हो या तो आ जा। हाँ काका बोल क्या क्या था बैठे। हाँ कहूँ क्या था मैं तो नूकू था। हाँ छोरी का भी ख्याल कर लो कि मैं काका छोरी का के ख्याल कर ले दाऊ घर लग रही रोटी देने लग रही और के कर रहे हैं। बोड़िया यह बात तेरी ठीक से पर बेटा सेवा संभाल को जाने तो ब्याह पड़ा करे। और भाई कितने कोई छोरा देख तू। काका मैं के करूँ तुम तो बेराए से कई रिश्ते आ जा लिए कोई हाथ तो भरता है ना। बेटा बात तेरे लिए ठीक से पर देख ले हाँ छोरी उम्र लिखती जा है दिन भर और भाई करना है करना। या तो सह काका इब करया भी के जावे कोशिश तो बतेरी कर ली जबरदस्ती किसी के लिए भेजी भी तो ना जावे। ठीक सक्का करूंगा मैं कोशिश तावला ही सूत बैठाऊंगा ब्याह तो करना है वे बेगा। हाँ ध्यान रखिए बेटा याद करके बात या बाबू। हाँ बेटी। बाबू तो ने मेरा ब्याह की मैं घनी चिंता ना हो रही से। बेटी चिंता तो हो जा है जब और सेवा सुनी बेटी घरा बैठी तो गांव समाज के कहेगा। बाबू गांव समाज का तो तने बेराई से के बेरा के कह दे बाकी तेरी बेटी तेरी नीची नाड़ ना होने दे। ए बेटी वो तो मने तेरे पर पूरा भरोसा है पर ब्याह तो करना है से। बाबू मेरा तो जी ना करता कि मैं तने छोड़ कर जाऊं मेरे पाछे तेरा ख्याल कौन रखेगा। बाबू बेटी तेरी माँ सर्ग में बैठी से वाकई सोचती होगी कि मैं मेरी बेटी इसका सारा छोड़ गई थी और बताएं मेरी बेटी का ब्याह भी ना करे ऐसे। बाबू न्यू ना करे मेरा जी दुखी पाव से। बाबू सब ठीक हो जाएगा मैं तेरी खातर चाह बना के ले आऊं सू। बाबू न्यू ना करे तू। ठीक बेटा। देख भगवान ने मारी गल्ले की करी ये दोनों बोझ मारे बहन दिए। अरे बोझ को ना बावड़ी ये तो मौज से मौज। और मेरा बाबू मेरे ताई के छोड़ गया था है आज आंड मनु है वहां तक वहां बिड़ाता। कब है तो तू ठीक से है ना तो तेरे बाबू ने तो कि मैं सोचिए को नहीं अब उसका छोरा भी है उसने तो सदाए दारू पी और मौज उड़ाई। हाँ जमीन का एक खूड नहीं छोड़ा सारी की सारी बेच गया ये तो शुक्र है अक्का की मरगी। और काका अरे छोरी अपने का नहीं आ गई ना तो के था उकड़ूर फूंक थी। सब तो बढ़िया कराम ने यो करया सर काका का कोई छोरा कौन दिया छोरी छोरी दे दी ना तो बोले तू जमीन। ये तो भगवान ने सूत बिठा दिया ना तो बाबू के छोड़ गया था आज कितने भीख मांगता आंडू है। इब तो बस गया इब नू कर इस छोरी ने भी बसा दे फेर देश के फेरे गाल दे इसने ब्याह कर काट दे करता इसने। अरे के करूं कोई डंका रिश्ता है तो ना मिलता। बावड़ा हो रहे सके तू तेरा दिमाग खराब सके डंका रिश्ता डंके रिश्ते में खर्चा भी लग गया से। तो के करूं फिर मैं करूं के ऐसा काम कर सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे कोई गरीब सा छोरा देख के कर देश के हाथ पीले ले जा जो इसने दो तीला में। यह बात ठीक है हल्दी लगाना पटकड़ी और रंग भी चोखा होगा एक बार या छोरी घर तक लिकड़ जा अगले फिर क्यूकरे रखो हमने कोई मतलब नहीं। और काका ना तो मैं फिर आप देख लूंगा। बस तो फिर ढूंढ ले कोई जरूरतमंद कैट देश की रहन दे गाल देश ने ब्याह काटता है। ठीक है जाऊं मैं मेरा आ गई तेरी बात समझ में आ गई ना। हाँ ठीक से तो जाओ मैं भी ये दो एक लत्ते की करती हूँ। अरे प्रदीप क्या हाल है। क्या हाल है। बहुत बढ़िया भाई तू बता। बस राजू को जी। अच्छा यार तू मिल गया मैं तेरे दूर आया हूँ था। क्या काम था भाई। भाई वो मेरा काका वाली छोरी है ना। हाँ उस खाते रिश्ते की बात करनी है तेरी ने कहा मैं कोई छोरा वो बढ़िया है तू देख यार। बस छोरा है कति शरीफ बीड़ी तक कायब नहीं है उस छोरे में
और उसके माँ बाप कौन है बस भाई साहे मेरी बेबे के लो रहा से बाप तो सह माँ कौनी रिश्ते वाले दूर हट जा से ना कहे तो भाई रिश्ता तो आया बैठा से ना अगले के मांगते ना कहें कि जरूरत आग लेना है सुक्की छोरी ले जाएंगे भाई फिर इस काम ना तो करवाए दे प्रदीप भाई हो गया रिश्ता समझ ले ठीक से भाई ठीक है भाई प्रदीप राम 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 तो जिसा सोचू था उसा है काम हो गया पर मैं जा कितना आग रहा हूँ ये तो मैंने घर में जाना चाहिए जाकर भगवान ने खुशखबरी दूं कि काम हो गया हाँ अरे भगवान के कर रही है छोड़ इस काम ने के हो गया ऐसा काम तो मैं कर काया हूँ कती एक नंबर का सुन ऐसा छोरा देखा जिसके आगे पाछे कोई नहीं और कती गरीब है और नू लगा ले नौकरी भी करे शरीफ है वो क्या है कोई है भी नहीं बताया नू लगा ले यो काम हो गया ना तो रांदेसी कट जाएगी ऐ बोझी भी हमने के करना हमने तो यार गर्तड़ी गानी है हाँ यू तो काम तू एक नंबर का कर आया है यो पार तो करता सरकाना है था बिल्कुल बिल्कुल और नू करे चल भी चाचा तो और बता ले चाचा तो बतला आजा काका के कर रहा है बस बेटा लेट के तो कामड़ी में अच्छा नो बता मन कही थी उस बात का ध्यान करया ध्यान ध्यान नहीं काका नो मान लियो इसने तो रिश्ता पक्का ही कर दिया बस थारी आ चाहिए बेटा मेरे क्या होती तुम जो करोगे वो के खराब करोगे तुम भी तो अच्छा करोगे पर काका तेरे तो बताना भी तो जरूरी है ना वो काका सुरते वाला छोरा नहीं है प्रदीप हाँ बेटा उसने बताया छोरा छोरा बहुत सुथरा और बहुत बढ़िया छोरा है उसमें कोई ऐब नहीं है और प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे है काका उसके माँ बाप कौन है अच्छा रे माँ बाप कौन है फिर तो बेटा फिर तो के काका इतनी कमी तो अपने भी से सुमन के भी ना तो माँ ना भाई और ऊपर ते उम्र लिखड़ी जावे टेम बेरा कितना खराब है नुका करे काका दी बेटी ना टाइम तक घर बार की हो जाए ना बढ़िया रहस है बेटी इसी माड़ी बात क्यों करे है माए तो कोनी पर भाई तो सह संदीप काका किसी बात करे भाई तो मैं सू है पर वह सागी वाली बात तो आवे है या तो सही बेटा भाई न्यू क्यों बोल रहा है तू मेरी खातर सागी थे भी बढ़ कैसे अरे मैंने कद भेदभाव करे तेरे में या सागी वाली बात या कह दी इसने कोई बात नहीं सब किम करने लग रहे फिर यो बात बात करेगा हाँ ठीक तुम मड़ा मन ना कर बेटा लड़ा मड़ा मन ना कर सगाई भाई हूँ बाने लेकिन तुम्हारी वाली बात तो आ गई देखिए मुंह उतर गया इसका समझ तो कि मेरा की कहेगा तो तू मन अपनी बाण मानना छोड़ देगा के ए मन नु कद कही है मैं तन अपनी बाण ना मानता ना ना सुमन मन मड़ा ना करे हम तेरे तक दूर से हैं हम तो तेरी कितने आंसू बह रही है बात बात तो सारे काम कर रही है ए रोया करे मतलब इन आसमान बचा कर रख मैडम ना कर देख एक ये प्रदीप का ही फोन आया काका कर बात कर भाई क्या कहे हेलो हाँ अच्छा हाँ 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 ठीक है भाई अब मैं मेरे काका दूर बैठे हूँ हाँ है ना जिस दिन का होगा उस दिन आ जाएंगे छोरे देखना हाँ नहीं ठीक है भाई हाँ ये बहुत बढ़िया बात कह दी प्रदीप कति बढ़िया बात कह दी भाई न चलो ठीक है राम 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 के बात के बोलिया बोलिया के आज के टाइम में ऐसा छोरा मिल रहा है किते ना तो कोई दान दहेज चाहिए ना स्कूटी बाइक चाहिए न बोलिया एक रुपये पर रिश्ता करके ले जाऊंगा और ना कोई बारात ले गाऊँ बता काका आज के टाइम में सही सा कोई बालक फिर तो छोरा घना है शरीफ से घना मेरी ननंद तो सुख पा जाएगी और बेटा ये कोई बात होगी के इबनू बता क्या खतर कमाल ला रहे हैं एक या छोरी
या जमीन जायदाद किला ये क्या काम आऊंगा फिर मेरा लड़का काम थू थू करेगा कि फलाना ने छोरी के धक्का मार दिया ऐसा काम होया करे कक्का ये तो झूठी बोर बढ़ाई की बात है। गांव में अपने तभी बड़े वो ब्योताले लोग हैं उनकी छोरियां हैं चुन्नी उड़ा के हुए हैं कोई कह है कि मैं किसी बात के बारे में पर कक्का अपने तो राजी होना चाहिए कितना भागाड़ा जाकत मिल गया जो कुछ भी नहीं लेंदा दांदे चाहिए कोनी अगले ने सुखी छोरी छोरी मांगे है यह बात सारी ठीक से पर नु सुखी छोरी ना गाली जाया करे से तो वो तो चलो अपनी तरफ से कोई बाप अपनी बेटी ने खाली हाथ नहीं भेजता पर नू तो देख छोरा कितना बढ़िया मिल गया ईसा छोरा तो दीवा हाथ पे लेकर ढूंढे जब भी ना मिले और ये तड़का गांव में इसने डांट लेगा ये मुंह पक्की मक्की में कहेगा जब काका दुनिया की बात तो नुए चलती रहा अगर दुनिया दुनिया का के है दुनिया की बात तब जीवांगे क्या हम दुनिया का तो काम से है बात बनाने का कितना कर लेगा जब भी बनेंगे में तो कल न कितने हम छोरी नई सी जगह बैठा दिया जड़ा सबके में मांगते हूँ और उड़ा छोरी सुखी ना रही फिर जब गांव के कर लेगा फिर तू धंधे दे बोला हो जिए वह फिर भी दुखी रहेगी वह एक नसीब की बात है भाई जो नसीब में से वो तो होना है ऐसे अपनी तरफ तो तपा तो अच्छा करा या भी नसीब की ये बात है कि मारी बाण ने इतना बढ़िया छोरा मिल रहा है और इतना संस्कारी मिल रहा है ठीक सा तो बेटा देख लो भाई थारा जिस तरह जैसे उस डाल कर लो हाँ ठीक है भाई तू चाल उसने कह दी मेरे तो 16 तारीख ने बुला ले और 16 तारीख ने चलना आप दोनों छोरे ने देखा हुआ और रिश्ता पक्का कर दिया ठीक है तो बेटा तेरा जैसा है तो कर रिश्ता पक्का काका तू भी चल साथ मैं क्या करूँगा करे तू घर का बड़ा बूढ़ा तो तू ये है तेरे बिना के है काका काका तो बुझे है तेरी बाण तो भी बुझ ले मेरे ते के पूछने से भाभी भाई के मेरे साथ गलत करेगा ठीक से तो सुमन नो कर तू चाय बना ले और काम पड़ा है दम मैं भी काम कर लियो आ जा के होया क्यों उदास बैठा से के बुझ जाएगी चाला हो गया कि मैं होया भी होगा मैं कंपनी में तो काट दिया न्यू कुकर के बताऊं मेरी किमी गलती भी ना थी और प्राइवेट नौकरी में तो मालिक की चल है रख जिसने रख है और काट है जिसने काट है कोई बात नहीं चिंता ना करो चिंता क्यों ना करूं घर का खर्चा क्यों कर चलेगा पहले तो मैं एक था अब दो जने हो गए मैं तो न्यू कहूँ कोई अपना खुद का काम कर लो चाहे परचून की दुकान ना कर लो करना ने अपना बेरा मैं के कर लूं पर पैसे तो कोई नहीं कि मैं तो जोड़ रखे होंगे के बताऊं तने ब्याह से पहले मेरा बाबू बीमार था जो भी पीछे मैंने जोड़ रखे थे वे सारे बाबू की दवाई पानी में लाग गए कोई बात नहीं मारे घर आ चालो मेरा भाई जोटा मार देगा ना न्यू अच्छा ना लग गया मैनू होचेंगे ब्याह होते ही मांगन आ गया फिर क्यों होया भीड़ पड़ी मैं तो यारे प्यारे ये काम आए करे और आपा के उनके रफिये खावा सा अपना काम चल जाएगा फिर उल्टे दे देंगे ना चल जा तो न्यू क्यों सोचा से नेक नीति ते काम करांगे ने तो चल लेगा क्यों ना चल लेगा मेरा जी तो ना मानने पर ना मानने तो चल ठीक से ससुराल में जा से बटेऊ की डाल ओले मैं भी तैयार हो लियो ठीक बेटा मन क्यों मारने हो रहे सब मन नहीं तो कहीं मन दवाई दिवा ले आओ सारी उम्र का ठेका ना ठा रखा तेरा हमने वह काकी तो मर गई और यह बीमारी मारेगा मैं गल गई देख ले बेटा वो किस तरह बोले है ठीक कह रही सया तन्ने मारा छाती में हाथ ला दिए तेरी बीमारी ठीक कराते कराते हम बीमार हो लिए बेटा बुढ़ापा बीमारियां का घर हो से अपना यह बीमारी का घर कितने और जगह करिए अपना बोरिया बिस्तरा बांध और चलता हड़े दे बेटी इस बुढ़ापा में किस आए चाहे काका भीख मांग का खा पर मारा पिता छोड़ दूं भीख मांग के क्यों खा भाई इबे इसकी बेटी जी वैसे बेटी सुमन बाबू चिंता ना करे इब मैं आगी आगी तो अपने ना गल्ला ले जा और क्या छोड़ के जांगी तेरा लखन तो देख लिया यो मदद करेगा नू कहती भाई दोरा मदद मांगूंगी यो बुड्ढा आदमी इन्ने बोझ लग रहा है रिश्तेदार क्यों गणा बोले है जब रखेगा ना जब बेरा पटेगा बेरा तो भाई तारा पट गया और हम तो रखेगा ना बेटी मैं बाप सू और बाप का बेटी घर रहना सब बना दे बेटी तो बाबू हमने भी सब बना दे क्या आप इनकी ठोकरा में पड़ा रहो पावर करो ले जाओ इसने और हम कौन सा राग कर राजी हैं इसने भाई मैं छोड़ के भी राजी कौन है चल ना बाबू ना बेटी चल ना बाबू जब हमने दो रोटी मिलेंगी तो तन्ने भी मिलेंगी भाई तन्ने तो अपना खूब रंग दिखाया मैं आई तो थी तेरे मदद मांगने खातर पर तू तो खुद देखना गरीब लग रहा कि बाप समान का खातर तेरे दो रोटी कौन है
हाँ ईब काट दतरे चेक है चलती बनाते है सारी उम्र थारी मदद करते रहेंगे के चल ना बावली क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं। चलो छुट्टिया पेंडा हो गया ना बढ़िया काम। बढ़िया बढ़िया नहीं ये तो कसुत्ता बढ़िया काम हो गया। हाँ। बीमारी था पेंडा छुट गया आज जमीन का कागी और मौज अपनी जमीन जमीन का तो छोरी ने नाम में ना लिया। हाँ छोरी ने के कक्का भी बीमारी में भूल गया छोड़ टेंशन ना ले जमीन भी अपनी मकान भी अपना। या तो ठीक कैसे है को दिन में ये बुढ़ा भी मर जाएगा। छोड़ मरते न मरण दे तुम तुनू कर अपनी इस खुशी के दिन में हलवा बना के लिया यह बात से ना तो ईव लिया हलवा बना के और ऐसा ऐसा काका भगवान सब न देवे जो सारा की मामले दे गया। बाबू न्यू ना करो जिसकी जिस सोच होगी ना वो उस आए तो करेगा। बाबू उनकी करनी उन करा आप इतना दुख क्यों उठा रहे हो। बेटा इससे बड़ा और क्या दुख होगा कि मैंने बेटी का घर का खाना पड़ रहा था। बाबू बावली बात ना करे माँ बाप बेटा बेटी का ना खाया करे बेटा बेटी माँ बाप का खास है। बाबू मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ जो आज एक अनाथ ने एक बाप का सहारा मिल गया। भगवान ने बहुत बुरा कराया है मेरे साथ बहुत दुख देखे हैं मैंने पर मन इनू लग गया है कि आप क्या शुरुआत है मेरी किस्मत बदल जाएगी। परीक्षा लेने में तो बेटा परमात्मा ने मेरी भी कसर ना छोड़ी। बाबू चिंता ना करे तू है तो कया करे कि मालिक के घर देर से अंधेर नहीं। हाँ बेटी या तो से मालिक कदे किसी घर बुरा ना करे वक्त के साथ वो सब ने सुख दुख दे से यो सारा कर्मा का खेल से। हाँ बाबू ये तो कंपनी का फोन है। हेलो नमस्ते सर। हाँ जी सर। अच्छा थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर। हाँ जी कल से मैं ड्यूटी पर आ जाऊंगा जी। थैंक यू सर। देखिए सुमन बाबू की आशीर्वाद है भगवान ने सुन लिया अपनी मैं कंपनी को वापिस बुला लिया। बाबू तेरे आणते तेरी बेटी की किस्मत फिर बदल गई ना भाई ने तो अपनी उड़ते मैं कती कुए में दका दी थी। ना बेटी मैं तो किस्मत वाला हूँ जो मैंने ऐसा जमाए मिला। हाँ बाबू ठीक कैसे है यो बेशक गरीब हो पर बेचारा तो बहुत अमीर से। ना बेटी सारा खेल बेचारा है कौश है उस बेईमान गल मैंने क्या चीज कमी ना छोड़ी जमा मट्टी में तो ठाया था। मैं समझी नहीं बाबू। बेटी आज तक मन तेरे बात बताई नहीं वो सारी जमीन मेरी बुआ से उसका बाप तो उसने कती नंग करके गया था नंग करके। हे भगवान फिर भी उसने इतना बुरा कराया। खैर छोड़ो बाबू आप अड़ा मौज करो। देखो वक्त के करे से पर नू छोड़ना ठीक नहीं से। बाबू मैं चाह बना ले अगली बात फिर करांगा। हाँ जा तू चाह बना ला फिर बाबू तो दवाई देनी से। ठीक से ले आऊं सु। कोई ना बाबू नू ना करूं। सुने से के उस छोरे का फोन आया था हॉस्टल से उसकी फीस जमा करानी से। तो करा देंगे काका की दया था अपना सब बातें की मौज है क्यों टेंशन ले है। बस काका ही को नहीं काका के फूकना हमने। फूकना तो अपन नहीं पड़ेगा मरे पछ है ले आवेंगे। हाँ इतना पड़ा रहने दे छोरी गए। सही कहो बुड्ढे फिर आ गया तू। काका तू भी घना बेशरम है तेरा भी दीदा नहीं लगता। बेटा थारा बिना मेरा जी ना लग गया। तेरा ना लग गया होगा मारा तो खूब अच्छी डाल लग रहा था। नू करे चालता बना रहे थे चाल तक तुम बनवा देते हैं तेरा सह के इस घर में जितनी चौधर जमा रहे सो। किसने कह दिया यो घर मारा को नहीं। हाँ बता ना है मैं कहूँ से बेटा यो घर थारा को नहीं मेरा से। रखा का
इतने दिन हमने रखा तू या भूल से थारी तमने बाबू नहीं रखा बाबू ने तम रखे सो ए भगवान देख के तावड़े बदल गए बदल हम नहीं बदल तम गए जब बैठे दिन आया से छोड़ इन बातों ने आप चले जाओगे धक्के मारे काटू तमने सोची थी बात जब मेरे धक्के मारे थे शुक्र सही तो बेटी और जमाई ठीक से ना तमने तीसी कर दी थी कि आज कितना स्टेशन में रोटी खत्म मिलू या हालात बाबू इबिन की बनेगी खेत का न्याक ठाकी देख भी मत लियो सारी जमीन मेरे बाबू की है बेबे इमारा गुजारा क्यों कर चलेगा हमने तारे गुजारे का ठेका ना ले रखा चाहे भीख मांग के खाओ सुनगी इब चलते मनोरथ है काका मैं पंचायत करूंगा भाई पंचायत तू क्या करेगा पंचायत तो मैं करूंगी जितना मेरे बाप का खा रखा से उतना उल्टा भी तो लेना से तेरे दौरे ननंद मर तो गलती होगी मना माफ कर दे माफी और पपी ते या ना उसके चलते मनोरथ है इब कोई फायदा गुना जिसे अपन कर्म करे थे ना उसका फल अपन मिल गया सामान तो ले लें के करेगी सामान का कड़ा धरेगी भला सामान धरण का जुगाड़ तो कर लिया चल इनने कितनी बड़ी गलती करी से इबिन के समझ में आओगी गलती की सजा तो भगवान भी दे है हम तो फिर भी इंसान सा मने इनका गलत ठीक करी या गलत करी वो तो भगवान जाने पर तुम जरूर बताइयो कमेंट करके कि मने इनका गलत ठीक करी या गलत करी ताकि हमने बेरा पाटे डीएचएम संस्कार देखने वाले सारे दर्शकों ने हमारी पूरी टीम को राम राम, राम, राम। दर्शकों ये एक छोटी सी कहानी जिसे लिखा था सुरेश मान मंदोला ने ये कहानी आपको कैसी लगी इससे आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट करके जरूर बताना और डीएचएम संस्कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो ने लाइक शेयर और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दियो और सब्सक्राइब करो तो साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दिया करो ताकि आने वाली फिल्म का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो अगले शनिवार को फिर मिलते हैं एक नई कहानी लेकर के तब तक के लिए राम राम राम।